प्रिय मित्रों, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ या जो केस सुनाने जा रहा हूँ वह 3 जुलाई 1986 को उस वक्त के बिहार में रांची में कांके जगह पे जहाँ पे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल है। एक्चुअल में वहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स हैं। इस कांके जगह में जो झारखंड की अब झारखंड बन गया है, उस वक्त बिहार ये था, रांची से कुछ दूर कांके जगह पे 2 हॉस्पिटल हैं, दोनों मानसिक विकारों के हॉस्पिटल हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट रन करती है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। ये दोनों हॉस्पिटल ब्रिटिश टाइम में आए थे और इनमें एक हॉस्पिटल में वाइट्स को रखा जाता था, यूरोपियन लोगों को रखा जाता था, और दूसरे हॉस्पिटल में नेटिव्स को रखा जाता था। इस तरह का अरेंजमेंट था। अब वो दोनों हॉस्पिटल एक स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। वहीं पे जुलाई 3, 1986 को एक व्यक्ति के आंखें किसी दूसरे पेशेंट ने निकाल ली और यह हॉस्पिटल वाले उनको जो रांची में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था वहाँ लेकर के गए। वहाँ के डॉक्टर ने बताया, लिखा कि आंखें सर्जिकली रिमूव हो गई हैं, किसी ने सर्जिकली इनकी आंखें निकाल ली हैं, क्योंकि आंखें जहाँ सॉकेट से निकाली गई थी वो इतना क्लीन कट था कि ऐसा वहम होता था या ऐसा लगता था कि वह चाकू से काट करके सर्जिकल वे में दोनों आंखें बाहर निकाली गई हैं। मीडिया का ध्यान इस तरफ गया और ये कुछ अखबारों में निकला। जब ये अखबारों में निकला तो ई चिदंबरम नाम के व्यक्ति ने भी इसको पढ़ा। जैसा हमें बताया जाता है, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता, पर जैसा हमें वर्बली बताया गया कि उस व्यक्ति ने एक लेटर लिख के और साथ में ये न्यूज़ लगा करके सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेषित किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट जज ने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए और इसको एज ए रिट पिटिशन माना, नंबर 1733/1986 -E-Chidambaram वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और उस पर अपना निर्णय दिया। उन्होंने 3 डॉक्टरों की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें डॉक्टर वी के दादा जो प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी थे आरपी सेंटर में,
एम्स के आरपी सेंटर में। दूसरा, मेरा नाम डॉक्टर टीडी डोगरा, जो हेड था मैं फॉरेंसिक मेडिसिन का उस वक्त, और डॉक्टर आरबी आज़ाद जो उस वक्त एडिशनल प्रोफेसर थे और आरपी सेंटर में काम करते थे। इन तीन लोगों की एक कमेटी बनाई गई और हमें कहा गया कि हम जा कर के वहाँ पे इंक्वायरी करके आए। हमें सबसे सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर वी के दादा थे, ऑप्थोलॉजी के थे जो, और हम तीनों 6 अप्रैल 1991 को हम पहली मीटिंग हमने की, और फिर उसके बाद हम रांची के लिए रवाना हुए। रांची में हम गए और हमने वहाँ जो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट था, जिसकी आंखें निकाली गई थी, जिस सिजोफ्रेनिक की आंखें निकाली गई थी, उसी हॉस्पिटल में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पास पहुँचे। हमने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात की और उन्होंने कहा कि पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये दोनों पेशेंट उनकी केयर में भर्ती थे, यानी कि उसी हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक पेशेंट जो है दूसरे पेशेंट से हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर ही किसी बात पे उनका झगड़ा हो गया और उनमें से एक ने उसकी दोनों आँख, दूसरे की दोनों आँखों को गोज्ड आउट कर लिया, बाहर निकाल दिया और अपनी मुट्ठी में ले आया। ये जब घटना हुई तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तुरंत उस मरीज को लेकर के और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रांची उनको ले गए। वहाँ पे ऑप्थेल्मिक सर्जन्स ने, जो आई डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद जब उन दोनों की स्थिति सुधर गई तो हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। और ये उनका एड्रेस है, आप चाहें तो हम दोनों को कल ही बुलवा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और दोनों ही दिमाग की सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप उनको बुलवा दीजिएगा, और उन्होंने अपने लोगों को भेज दिया उनके गांव, जो ज़्यादा दूर नहीं थे, दो जीपें देकर के कि आप उनको लेके आ जाओ। और हम लोग वहाँ से अपने होटल रांची अशोक में आकर के रुक गए। दूसरे दिन सुबह वो दोनों सिजोफ्रेनिया से सफ़र करते हुए लोग होटल के प्रांगण में आ गए। हम तीनों उनके पास पहुँचे और हमने उनसे बातचीत की और पूछा कि क्या होगा, क्योंकि हमने सोचा पहले डायरेक्ट पेशेंट से बात की जाए, फिर बाकी लोगों से बात की जाए। तो पेशेंट से जब बात की तो उनका जवाब बहुत सीधा था। एक बोला, रादर दोनों एक दूसरे को जो बोल रहे थे वो तो ओवरलैप कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे ही दोनों वो आए, दोनों मिले, तो वो अपने एक दूसरे के गले मिले। उन्होंने बिल्कुल बड़ी आत्मीयता से बात की, एक दूसरे का हाल पूछा, फैमिली का हाल पूछा, क्योंकि वो बड़े गहरे दोस्त थे जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। सो अपना हालचाल वगैरह सब पूछने के बाद में
एक दूसरे का स्वागत करने के बाद, नमस्कार करने के बाद में जब हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो जिसकी आंखें निकली थी उसने बड़ा सहज रूप से कहा कि साहब ऐसा है कि उस वक्त मेरे अंदर गणेश जी आए हुए थे और जो मेरा दोस्त है इसमें हनुमान जी आए हुए थे और गणेश जी ने हनुमान जी को गाली निकाल दी। जब गणेश जी ने हनुमान जी को गाली निकाल दी तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया और हनुमान जी ने पटक से गणेश जी को पटक के, यानी कि उसको पटक के, क्योंकि उसमें गणेश जी आए हुए थे, उस दोनों आंखें निकाल ली, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो अभी भी वो उसका मित्र था और बड़ा वो था और उसको कोई पश्चाताप नहीं लग रहा था कि मेरी आंखें चली गई हैं, मैं अंधा हो गया हूँ। वो तो अपने को गणेश जी होने का और उसमें हनुमान जी आने के चीज़ को ही ये मान रहा था कि मेरा जो है आंखें इस कारण से गई हैं। खैर, उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने उनकी आंखें एग्जामिन की थी, ऑप्थोलॉजी के डॉक्टर, और ये सर्टिफाई किया, ये लिखा था उसमें कि दोनों जो हैं आंखें जो हैं वो सर्जिकली रिमूव्ड हैं। उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो इतनी क्लीन कट लग रही थी उस वक्त सॉकेट से कि मैंने सोचा किसी ने जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से इसको निकाला है। हमने उसको लिटरेचर दिखाया कि गॉजिंग अक्सर इसी तरह से होती है, जो मसल्स होती हैं जिनसे वो अटैच रहते हैं, वो जब ज़ोर से आँख हाथ से भी अगर खींची जाती हैं तो वो टीयर इतनी क्लीन कट होती है कि लगता है कि जैसे सर्जिकली किसने रिमूव की हो। वो उस बात से एग्री किए और उन्होंने कहा कि हाँ, उस वक्त हमसे गलती हो गई, हमने सोचा जैसे किसी ने सर्जिकली इनकी आँखें रिमूव की हैं। उसके बाद हमने उनसे ही पूछा कि आपके यहाँ पे कितने केराटोप्लास्टी होती है, यानी कि कॉर्निया निकाल करके, क्योंकि चोरी कोई किसी की आँखें निकालेगा, जैसा कि एलिगेशन था कि आँखें चोरी कर ली जाती हैं, जो लोग वहाँ पे पागल लोग हैं उनकी आँखें निकाल के दूसरों को लगा दी जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी आँख निकाल के आप किसी दूसरे लगा देते हो, आप सिंपली उसका कॉर्निया निकालते हो, यानी कि सामने का जो आपको शीशा नज़र आता है उसको निकाल के दूसरे को लगाते हैं। तो इसलिए हमने पूछा कि आप अपना रजिस्टर लाइए और दिखाइए कि यहाँ पे कितने कॉर्नियोप्लास्टी होती है। तो उन्होंने कहा, साहब यहाँ तो कभी हुई नहीं, हम तो जानते नहीं हैं, यहाँ तो कभी ये होता है नहीं। तो हमने कहा, नज़दीक में कहाँ पे कॉर्नियोप्लास्टी होती है, क्योंकि आज अगर आप आँखें निकाल रहे हो जैसा कि एलिगेशन में था और दूसरों को लगा दी जाती है तो फिर कहाँ जाती हैं वो। तो उन्होंने कहा, सब कलकत्ता में कोई है पर वो कभी कभार करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि रेगुलर वहाँ होती हो। तो ये बड़ा हमारे लिए आई ओपनर था कि पूरे उस रीजन में फैसिलिटी थी नहीं, और हमें सबको समझ में आया कि इसलिए बिहार और उस साइड के सारे लोग कॉर्नियोप्लास्टी के लिए दिल्ली आते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। जब फैसिलिटी ही नहीं है तो फिर कोई सर्जन या कोई आदमी कौन जाएगा और वहाँ से उनके पागल लोगों की आंखें निकाल के और किसी को लगाएगा, वो फैसिलिटी तो होनी चाहिए। तो हमें कुछ मिली नहीं। एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, उसका हमने पूछा, उन्होंने अभी के दादा ने पूछा कि ये माइक्रोस्कोप आपके पास में है। उन्होंने कहा, हाँ जी पढ़ा है बहुत पहले, ये किसी स्कीम में आया था, ये कोई शायद कॉर्नियोप्लास्टी के लिए कोई स्कीम आई होगी, उसके अंतर्गत आया था, लेकिन बोले हमने खोला भी नहीं है, उसको कभी यूज़ नहीं किया है। और वास्तव में जब हमने देखा तो उसकी सब तारे वारे चूहे खा गए थे और वो कीमती इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ऐसे ही अनयूज्ड वहाँ पे उनके स्टोर में पड़ा था, और अभी उसको उपयोग किया जा सकता था अगर उसकी तारे वगैरह वापस रिपेयर कर दी जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली वो खुला ही नहीं था, क्योंकि वहाँ कोने प्लास्टिक वो करते ही नहीं थे, तो किसी ने उसको खोला ही नहीं, वो जब से आया था वैसा ही पड़ा था। उसके बाद हमने जो वापस वहाँ पे गए, जो वो था अपना
मेंटल हॉस्पिटल, दोनों मेंटल हॉस्पिटल के गए, वहाँ पे जांच वाँच की, सब कुछ किया हमने, सब पेशेंट से मिलके सारा कुछ वहाँ पे कि स्थिति सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, क्योंकि एक बार आप गए हैं और एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आपका फर्ज बन जाता है कि सारी व्यवस्थाओं को आप वहाँ देखें और उस चीज़ से कोरिलेट करें कि ऐसा संभव इस सिस्टम में है कि नहीं। तो इसलिए हमने सारे सिस्टम को समझा, जिसको वो एडमिशन का सिस्टम है, डिस्चार्ज का सिस्टम है, बॉडीज़, क्योंकि ये भी बीच में एक एलिगेशन किसी ने लगाया हुआ था कि भाई वो डेड बॉडी से भी आंखें निकाल लेते हैं, तो उस दृष्टि से भी सारा कुछ उनका मॉर्चरी वगैरह जहाँ थी देखा। तो मॉर्चरी वाली बात जो हमको लगी वो ऐसा था कि वहाँ पे बड़े बड़े रोडेंट्स थे, चूहे थे, और रात को डेड बॉडी जिसमें रखते थे वो लोग, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी किसी तरह की, कोल्ड रूम की या अटेंडेंट रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक अलग सी जगह पे, सुनसान जगह पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पागलों का हॉस्पिटल है, वो पागल नहीं कहना चाहिए, यानी कि जो मानसिक विकार वाले लोग हैं उनका हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे एकदम जंगल में, जंगल ही कहेंगे उसको, आसपास में कोई बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ पे एक दो दो एक बड़ा सा कमरा बना के उसी को एज ए मॉर्चरी यूज़ करते थे, और उसमें अक्सर रोडेंट्स आकर के सॉफ्ट टिश्यू को इंक्लूडिंग आइस को खा जाते थे। तो उस चीज़ को भी लोगों ने इस तरह से लिया हुआ था कि जैसे लोग आँख निकाल लेते हैं। मैं इसको जानता था क्योंकि मैंने भी जब शुरू शुरू में एम्स में आया और हमने पोस्टमार्टम शुरू किए तो हमारे यहाँ भी रोडेंट्स की प्रॉब्लम थी, और रोडेंट्स कभी आँख भी निकाल लेते थे, कभी आईलिड्स खा जाते थे, कभी ईयर लोब्यूल्स खा जाते थे, अक्सर मॉर्चरी की प्रॉब्लम होती है। तो हमने तो इसका बड़ा करके अल्ट्रासाउंड की जो एक मशीन है वो लगा दी थी, तो चूहों हम नहीं सुन पाते अल्ट्रासाउंड को, पर अल्ट्रासाउंड चूहों को सुनाई देती है। तो फिर अगर अल्ट्रासाउंड मशीन आप लगा देते हैं तो चूहे उसके अंदर एंटर नहीं करते। इस तरह से हमने अपनी समस्या को कंट्रोल किया था, लेकिन वहाँ पर इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो इसलिए वो अक्सर, वो डॉक्टर ने भी बताया और कई फोटोग्राफ भी दिखाए उन्होंने, जहाँ पे नोस्ट्रिल्स है, ईयर लोब्यूल्स हैं और आईज हैं या आईलिड्स हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू जो पार्ट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उनको चूहे या ये अक्सर अटैक करके खा जाते हैं डेड बॉडी में। ये एक वेल नोन एस्टेब्लिश चीज़ है, इवन डॉग्स भी कई बार घुस करके और कुछ सॉफ्ट टिश्यू खा लेते हैं। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड मॉर्चरी कॉम्प्लिकेशन है जो हमें नॉन था। तो उनसे भी बात की, उन सब ने इस बात से एग्री किया कि हाँ हमारे पास कोई मॉर्चरी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन और उस केस के बारे में उन्होंने अपनी कहानी बताई थी कि इन दोनों का इस बात पर झगड़ा हुआ, लेकिन क्योंकि वो सारे एक तरह के डिलूजन में जीते हैं, वो आम लोगों की तरह उनका मानसिकता जो है वो समाज से साधारणतः जो हमारा समाज है, साधारणतः जो रियलिटी है उससे वो नहीं जुड़ी होती, और यही एक क्राइटेरिया होता है डिफरेंशिएट करने का कि भाई ये आदमी साइकोटिक है कि नहीं है। साइकोटिक मीन्स जिसका रियलिटी से टच ख़त्म हो गया है, वो अपनी दुनिया कंस्टिट्यू कर लेता है और वो अपनी ही दुनिया में रहता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा एक पागल जा रहा है, फटे हुए कपड़े पहने हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बात कर रहा है, जोर जोर से बोल भी रहा है, सब कुछ, कभी कभी परेड भी कर रहा है, तो वो सब एक अपनी दुनिया उनकी बन जाती है जो उनको दिखाई देती है। वो उस दुनिया में असल में रह रहे होते हैं, लेकिन वो दुनिया है नहीं, वो एक कल्पना की दुनिया है, चारों तरफ एक डिल्यूजन की दुनिया है, एक हेलुसिनेशन की दुनिया है, और उसके अंदर वो सब कुछ, अगर वो राजा बना हुआ है तो राजा भी है, उसकी प्रजा भी है, उसके सिपाही भी हैं, सब कुछ उसके चारों तरफ है और उनसे इंटरेक्ट करता है। तो उसको हम कहते हैं कि लॉस ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी, यानी कि रियलिटी से उसका टच ख़त्म हो चुका है, वो एक्चुअल जैसी रियलिटी में हम और आप रह रहे हैं उस रियलिटी में नहीं रहता है, और उस कंडीशन को हम साइकोटिक कहते हैं। तो सिजोफ्रेनिक में तो ये साइकोटिक सिचुएशन होती है, MDP मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में भी ये साइकोटिक सिचुएशन होती है, जिसमें आदमी अपने टोटल रियलिटी से अपने आप को काट लेता है। तो वही उन दोनों की स्थिति थी,
अभी थोड़े कंट्रोल में थे, जब हमने देखे तो थोड़े कंट्रोल में थे, ट्रीटमेंट से जो ट्रीटमेंट देते हैं वो जब कंट्रोल में हो जाते हैं तो फिर घर वाले ले जाते हैं अक्सर, तो वो उनको दे देते हैं। तो लेकिन उस वक्त वो डिलीजिव स्टेट में थे, उस वक्त वो साइकोटिक स्टेट में थे, वो टच ऑफ रियलिटी में नहीं थे, इसलिए एक अपने आप को गणेश जी समझ के बैठा था, दूसरे में हनुमान जी बैठे थे, और वो दोनों ये समझ रहे थे कि हनुमान जी और गणेश जी का झगड़ा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं है आपस में, तो इसलिए बड़ी आसानी से मान रहे थे और उनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यूड थी। ये बड़ा अजीबोगरीब सीन था, इसमें देखते आप दोनों बड़े प्यार से बात कर रहे हैं और कर रहे हैं, और वो उस सीन के उस घटना के बारे में बिल्कुल कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। सो एक क्लासिकल एक साइकोटिक पीपल का बिहेवियर वो हमको देखने को वहाँ मिला। हमने सारी जांच की, सारी हॉस्पिटल की, और दूसरे हॉस्पिटल में भी जाके वहाँ भी एक चक्कर लगाया, व्यवस्था वगैरह देखी, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरोसिटी, और ये सब करके फिर उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, फिर उनके एक पुराने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की। इससे पहले भी कुछ इंक्वायरीज हो चुकी थी, जिन्होंने ओपिनियन दिए थे, एक ऑप्थल्मिक सर्जन थे पटना के, उनसे भी मिले, तो काफ़ी लोगों से हमने मुलाकात की और काफ़ी बड़ी रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, सब जगह के सब चीज़ें हमने वहाँ की, जो यहाँ साथ में लगी हुई है आप देख सकते हैं उसको, मैंने इसमें दिखाया, इसके बैकग्राउंड में रन करेगी तो उसमें आप देख सकते हैं। तो काफ़ी उसमें हमारा समय लगा, और उसके बाद फिर हम पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करके अपने रिकॉर्ड्स लेकर के, क्योंकि उस तक उस वक्त जो कर्मचारी थे जब हम गए 91 में, ये केस था 1986 का, तो तब तक काफ़ी कर्मचारी भी रिटायर हो गए थे, कुछ नए आ गए थे, लेकिन जो रिटायर हो गए थे उनको वापस बुलाया गया, कुछ पेशेंट्स भी उनके सामने जो विटनेस थे वो डिस्चार्ज हो गए थे, उनको भी वापस बुलाया गया, उनसे भी बात का पता लगाया करा किया गया। तो इस तरह से पूरी अच्छी तरह से इंक्वायरी करके हमने यही एस्टेब्लिश किया उसमें कि नहीं, वो दोनों पागलपन के नशे में थे, यानी कि साइकोटिक सिचुएशन में थे, वो इस दुनिया की रियलिटी में नहीं जी रहे थे उस वक्त, वो एक अपनी जो सिजोफ्रेनिक से डिल्यूजन इल्यूजन हेलुसिनेशन होते हैं वो उस दुनिया में थे, और उसी के प्रभाव से उनका झगड़ा हुआ, और जब इलाज से उनकी स्थिति कुछ ठीक हो गई तो अपनी इस दुनिया में आ गए हैं, तो उनको आपस में एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है, लेकिन ये इसमें ये सत्यता की बात है। तो इस तरह से हमने इस केस को रिजोल्व किया, उसकी रिपोर्ट तैयार की, और हमने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो ये थी कहानी कि किस तरह से एक र्यूमर या कभी एक वो घटना, लेकिन ऐसा होना चाहिए, इस ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, होनी चाहिए, तो उसमें कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा, होना चाहिए, इससे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होता है। और बाद में हमको पता चला कि दोनों हॉस्पिटलों में बहुत सी चीज़ों में उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, कि जो हमने सवाल उनसे पूछे थे सिक्योरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए, और आफ्टरऑल जो जिम्मेदारी उन लोगों की केयर करने की हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की होती है, और उसको ये व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि फिर फ्यूचर में कभी भी इस तरह से एक पेशेंट जो है दूसरे पेशेंट के ऊपर जो है किसी तरह का अत्याचार न कर सके, उसको नुकसान न पहुंचा सके। तो इस तरह से ये बात थी इस रिपोर्ट की, जो हमने कांके मेंटल हॉस्पिटल में इंक्वायरी के बाद बनाई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सबमिट किए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।